फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेट एंड ईयर पता होना चाहिए, 14 जुलाई 1789। रूलर पता होना चाहिए लुई 16। डायनेस्टी बॉर्बन। ये सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस बनते जाएंगे, आप अपने आप देखना आपको आते हैं। डायनेस्टी उसकी बॉर्बन डायनेस्टी। व्हेन ही बिकेम द रूलर 1774, देन ही वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड। 1774। इन विच ईयर लुईस बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस? 1774। लुई 16 था एंड ही वॉज ओनली 20 इयर्स ओल्ड व्हेन उसकी, जो आप कह सकते हो, मैरिज हुई विद ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। मैरी एंटोइनेट वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। तो लुईस की मैरिज मैरी एंटोइनेट से होती है। एंड देन व्हेन ही बिकेम द रूलर, ट्रेजरी ऑफ फ्रांस वॉज एम्प्टी। अब उसकी गलतियां, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका इन देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका की हेल्प करने जाता है इन देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बिल्ट अ ब्यूटीफुल कोर्ट इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स। लिवर किसको कहा गया है? करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन, करेंसी ऑफ फ्रांस। तो कितना उसके ऊपर कर्जा हो गया अर्लियर, द विच वाज 1 बिलियन लिवर, नाउ इट बिकेम यू 2 बिलियन लिवर्स। एंड मनी लेंडर्स इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 10%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा उसके ऊपर? 10%। तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो पुअर होती चली गई। ही नीडेड मनी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, टू पे सैलरीज टू हिज ऑफिशियल्स, दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल। ही डिसाइडेड टू डिवाइड हिज सोसाइटी इनटू 3 एस्टेट्स। फर्स्ट एस्टेट का पूछ सकते हैं कौन होते थे? क्लर्जीज। क्लर्जीज कौन? पीपल ऑफ चर्च, बिशप्स, प्रीस्ट, ये सब। सेकेंड एस्टेट आप कहोगे मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये लोग आते थे। थर्ड एस्टेट मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ कॉमन पीपल, सब एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रिच, पुअर। वैसे भी फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, यस ऑल, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन, कितनी थी? 10% ऑफ द पॉपुलेशन। वेयर एज थर्ड एस्टेट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट ओन्ड लैंड 40%, फर्स्ट एंड सॉरी 60%, एंड थर्ड एस्टेट ओन्ड लैंड 40%। यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। 10% पीपल ओन्ड लैंड 60%, वेयर एज 90% पीपल ओन्ड लैंड सिर्फ 40%। तो ये प्रॉब्लम्स थी वहां पे। तो ही डिवाइडेड हिज सोसाइटी इनटू 3 एस्टेट्स। ही इम्पोज ऑल द टैक्सेस ऑन द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट। ही एग्जम्प्टेड द पीपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बर्डन। ऑल द राइट्स, ऑल द प्रिविलेजेस वर गिवन टू द पीपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट। थर्ड एस्टेट पीपल वर नॉट गिवन एनी काइंड्स ऑफ राइट्स, देयर लाइफ बिकेम मिजरेबल। अब उनको कौन कौन से टैक्स देने होते थे? हियर्स, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टिथ, इट वाज कलेक्टेड बाय चर्च एंड इट वाज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। देन टेले, कौन लेता था? ये स्टेट गवर्नमेंट, इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस। ये सब टैक्सेस देने होते थे एंड ऑल द टैक्सेस वर गिवन बाय पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट, क्योंकि उसने सेकेंड एस्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट पे कोई टैक्सेस नहीं लगाए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका टॉपिक। हाँ जी, ये कितने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस में से, व्हेन एवरीथिंग वाज इन डेंजर, पीपल हैड नथिंग टू ईट। तो कह रही है फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन इन 1715 थी, 1715 कितनी थी? 23 मिलियन। अब 28 हो गई 1789, मींस लुईस के पीरियड में एक और प्रॉब्लम बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी। अर्लियर द पॉपुलेशन वाज 23 मिलियन, बट व्हेन लुईस देयर वाज रेवोल्यूशन इट रीच्ड टू
28 मिलियन। 1789 में वही पॉपुलेशन कितनी हो चुकी थी, 28 मिलियन। ये भी तो एक प्रॉब्लम आई ना, इतनी पॉपुलेशन ही बढ़ गई। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सबसिस्टेंस क्राइसिस अकर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में क्या आए, सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब यहाँ पे आपका आ जाता है मिडिल क्लास पीपल। यहाँ पे कितने सारे वन मार्क क्वेश्चंस बन जाने हैं, इनके नेम है और इनकी बुक्स हैं, साथ में आइडियाज गिवन बाय दीज राइटर्स इन देयर बुक, फिलोसफर्स इन देयर बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिलोसफर्स बिलोंग्ड टू विच एस्टेट, थर्ड एस्टेट। सबसिस्टेंस क्राइसिस में एक चीज और भी है, पीजेंट स्टार्टेड द रिवोल्ट बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, उन बेचारों के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, एंड दे कुडंट कैरी दिस रिवोल्ट फॉरवर्ड। रिवोल्ट वॉज कैरी फॉरवर्ड बाय पीपल ऑफ, आप कहोगे फिलोसफर्स, थर्ड स्टेट के ही थे फिलोसफर्स, आगे लेके गए बिकॉज दे वर एजुकेटेड, तो वो इस रिवोल्ट को आगे लेके गए। अब आपको इनके नाम आने चाहिए, इनकी बुक्स और साथ में आइडियाज, जैसे जॉन लॉक, टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इन दैट ही क्रिटिसाइज द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। फिर आपको रूसो का पता होना चाहिए, रोड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसने कहा था देयर शुड बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे अभी हमारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ सेम, तो उसने वैसे ही गवर्नमेंट मांगी थी। एंड मोंटेस्क्यू ने कहा था पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, एंड कौन सी बुक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉज। वॉल्टेयर ने लिखी लेटर्स ऑन इंग्लिश, तो उसमें उसने कहा था राइट्स वर गिवन टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड पीपल ऑफ फ्रांस, दे आल्सो हैड टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, उनको भी अपने राइट्स के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो ये सारे आपको इनके नाम पता होने चाहिए, बुक्स पता होनी चाहिए उनके, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या आइडियाज दिए थे इसमें। मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज दैट गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन। 13 कॉलोनीज को कहाँ से फ्रीडम मिली, ब्रिटेन। उनकी मदरलैंड कंट्री कौन सी थी 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका की, ब्रिटेन। ब्रिटेन वॉज द मदरलैंड कंट्री एंड 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका को उससे फ्रीडम मिल चुकी थी, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो ये बात बतानी है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो मैंने बोल दिया, इसमें वॉल्टेयर की बुक में उन्होंने राइट्स दे दिए थे अपने लोगों को। नेक्स्ट इसके बाद आ जाना है, लुइस डिसाइडेड टू इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन द पीपल। अब लुइस ने लोगों के ऊपर और टैक्सेस लगाने का डिसीजन लिया। फॉर दैट ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। क्या बुलाई उसने, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। अर्लियर दिस मीटिंग वॉज कॉल्ड बाई हिज एंसेस्टर्स इन 1614। आप ना इसे माइनस करना 1789 में से, ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा कि इतने सालों बाद ये वाली मीटिंग बुलाई गई थी। वैसे करना 1789 माइनस 175 ईयर्स के बाद ये मीटिंग हुई थी, सोचो। मींस दादा पर दादा ने बुलाई होगी, फादर ने भी नहीं। तो दिस मीटिंग वॉज अर्लियर कॉल्ड बाय हिज एंसेस्टर्स 1614, याद रखना है, दिस मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय हिज एंसेस्टर्स एंड आफ्टर 175 years, Louis called this meeting. He wanted to impose more taxes on the people. अब body of a state general means Parliament of France. Parliament of France. अब यहाँ पे ना कुछ ये कुछ दिए हुए हैं box में, years दिए हुए हैं, you have to learn. क्योंकि 10th में वो इनमें से questions देते हैं, तो 9th में भी तो उन्होंने frame करना आपका paper. तो questions can be framed from these boxes also. 9th 10th में तो कार्टून भी, मैंने बच्चों को बोला जो नीचे कार्टून भी है ना उनको भी पढ़ो, कार्टून में से भी कार्टून देके पूछ सकते हैं कि ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस आपको कुछ भी एक ही लेसन है तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि मैंने ये ही नहीं पढ़ा था, मैं तो ये पढ़ के ही नहीं गया था, इसमें क्या ये यू हैव टू टेक थोरो रीडिंग। तभी मैंने बोला पेज वाइज आप रीडिंग करोगे, आपको इन बॉक्सेस को भी पढ़ना है, ठीक है, जब आपके पास फ्री टाइम हो आपको इनको पढ़ना है। नेक्स्ट ये वाले इयर्स दिए हुए हैं 1774 तो सबको पता है बिकॉज यू हैव रेड, 1789 आपको पता है कि उसने मीटिंग बुलाई थी बोर्ड एस्टेट जनरल की, ठीक है। 1791 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना फ्रांस, पता है ना सबको। 1792-93 फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, यू नो इट वेरी वेल अंडर रॉबस्पियर, ठीक है। किंग इज बी हेडेड 1793 में, लुइस वॉज बी हेडेड, पता है ना। Overthrow of Jacobin Republic, overthrow हुआ Jacobin Republic का, तो who came to power, directors, five directors, directory rule,
Who became ruler of France in 1804? Napoleon Bonaparte. Napoleon defeated at Battle of Waterloo in which year? 1815. तो ये मैंने सारे इयर्स आपके बोल दिया, आपको सारे आते ही होंगे ये वाले, ये सारे यही दिए हुए हैं। अब लुईस ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग अर्लियर दिस मीटिंग वाज कॉल्ड बाय एंसेस्टर्स इन 1614, इट मींस आफ्टर 175 इयर्स ही कॉल्ड दिस मीटिंग। तो उसने ये मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग का आपको एग्जैक्ट डेट करवाई हुई है मैंने, एंड ईयर पता होना चाहिए। ईयर तो सब में 1789 ही कितनी देर चलना है आपका, आपको डेट याद रखनी है 5 मई। On 5th May 1789, Louis called the meeting of the Estates General. 1789 में ये meeting बुलाई गई। First and second estate sent their 300 representatives each. Third estate ने कितने भेजे? 600. अब वहाँ पे third estate के लोग कितनी letters of grievances के साथ आए? 40,000 letters. No one bothered. They were standing at back. First and second estate people sat on the benches. Whereas third estate had to stand at the back, इतना discrimination होता था उनसे। No one bothered about their letters of grievances. जब voting होने लगी, तो voting के time problem हुई। Because first and second estate ने बोला voting should be done on the basis of estate. उनको था estate के basis पे होगा, तो फिर दो estate एक side हो जाएंगे, एक estate एक side अपने आप ये फिर हार जाएंगे। तो first and second estate ने कहा voting should be done on the basis of estate. उन्होंने कहा नहीं, voting should be done on the basis of members. अब वहां पे क्लैशेस हुए। लुईस एग्रीड विद द पीपल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। तो थर्ड एस्टेट को बुरा लगा, दे वॉकड आउट ऑफ दिस मीटिंग एंड मेट एट टेनिस कोर्ट ग्राउंड। थर्ड एस्टेट के लोग मीटिंग से बाहर आए एंड मेट एट टेनिस कोर्ट ग्राउंड। टेनिस कोर्ट ग्राउंड में आके उन्होंने अपनी मीटिंग रखी 20th June 1789। 20th June 1789 में वो कहाँ आ गए? टेनिस कोर्ट ग्राउंड। 5th May 1789 को मीटिंग थी, 20th June 1789 को कहाँ पे आ गए? टेनिस कोर्ट ग्राउंड। टेनिस कोर्ट ग्राउंड इन वर्सेल्स, वहां पे आकर उनकी मीटिंग हुई। नेम देम एज नेशनल असेंबली, अपना नाम चेंज किया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली इट मीन्स नेशनल असेंबली के जो लोग थे दे बिलोंग्ड टू ओनली थर्ड स्टेट। लीडर्स वर एबिसिस एंड मिराबियू, दोनों ही किसको बिलोंग करते थे? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। Abbasis wrote a pamphlet, what is the third estate? Abbasis ने तो pamphlet भी लिखा था, what is the third estate? अब दोनों लीडर बन गए इनके, और इनकी मीटिंग हुई। They decided to frame the constitution of France. अब इन्होंने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन था नेशनल असेंबली का? टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। देयर मेन एम वॉज टू गिव लिमिटेशंस टू द पावर्स ऑफ लुईस 16। लुईस की पावर्स को लिमिटेशन देना चाहते थे, बांटना चाहते थे। जैसे किसने कहा था स्पिरिट ऑफ लॉज में, मोंटेस्क्यू, पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो उन्होंने किया भी ये सब कुछ। वांटेड टू गिव लिमिटेशन टू द पावर्स ऑफ लुईस 16 एंड डिसाइडेड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठ गए। इट टुक 2 ईयर्स फॉर नेशनल असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। अब ये 2 साल में फ्रांस में क्या क्या हुआ? From 1789 to 91, what happened in France? Because 91 में तो France became constitutional monarchy, पर ये 2 सालों में क्या हुआ? Because male of the third estate were busy in framing constitution. So what happened in the countryside and Paris city? Paris city में आपको कहोगे crops fail हुई थी, due to bad harvest crops failed. तो main आपको कहोगे staple food of the people of France was bread. One more question. तो women had to do 2 kinds of jobs because their male were busy in framing constitution. Women had to take care of their families and had to do कह सकते हो outside jobs भी women ही कर रही थी, सब कुछ women करती थी। तो that's why women were standing in a row to buy bread outside the bakery shop. On the other hand, bakers ordered the supply of the bread. अब पीछे से सुबह से कोई खड़ा bread खरीदने के लिए, पीछे से कहा जाए सप्लाई बंद हो गई है, सप्लाई नहीं आ रही पीछे से, तो आप बताओ क्या बीतेगा? तो पीछे से उन्होंने बेकर्स ने सप्लाई बंद की। तो एंग्री वुमेन जो लाइनों में खड़ी थी मार्च टूवर्ड्स बेस्टाइल फोर्ट। अब बेस्टाइल जो था दैट वाज द मेन पावर स्टेशन ऑफ लुईस 16। कब गए साइड? 14 जुलाई 1789। लर्न रखना 20 जून को मीटिंग हुई थी, 5 मई को मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल थी, 20 जून को ये नेशनल असेंबली बनी, ठीक है, एंड
14 जुलाई 1789 में इन्होंने किसको आग लगा दी, बस्टाइल फोर्ट, दैट वाज द मेन पावर स्टेशन ऑफ लुइस 16। तो उसमें उसके वेपन्स थे लुइस के, तो बस्टाइल फोर्ट से ही हम कहेंगे दिस रेवोल्यूशन अकर्ड, ये रिवोल्ट हुआ 1789 का। 14 जुलाई 1789 इज द एग्जैक्ट डेट एंड ईयर, 14 जुलाई 1789 विद बस्टाइल फोर्ट। अब बस्टाइल फोर्ट को आग लगा दी, ये तो हुआ पेरिस में। नो व्हाट हैपेंड इन कंट्री साइड, अब पीछे से कंट्री साइड में क्या क्या हुआ। कंट्री साइड में ना एक र्यूमर स्प्रेड हुई थी, मैं एक मिनट देख लू कोई और क्वेश्चन तो नहीं बनते इसमें से। र्यूमर स्प्रेड इन कंट्री साइड, कंट्री साइड में एक र्यूमर स्प्रेड हुई थी दैट मैनर्स हायर्ड सम पीपल टू स्पॉइल द क्रॉप्स ऑफ फार्मर। मैनर्स कौन होते थे, जो मैनोरियल ड्यूज रखते थे और लैंड गिरवी रख के लोगों को लोन देते थे, लैंड गिरवी रख के लोगों को लोन देते थे मैनर्स। तो मैनर्स हायर्ड सम पीपल टू स्पॉइल द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर, ऐसी र्यूमर स्प्रेड हुई, र्यूमर अफवाह, ऐसी वाली अफवाह स्प्रेड हो गई कि मैनर्स कुछ लोगों को भेज रहे हैं जो फार्मर्स की क्रॉप को स्पॉइल कर देंगे। तो फार्मर्स भड़क गए, एंग्री पीजेंट्स, दे अटैक चैट्यूक्स। अब चैट्यूक्स क्या था, आप कह सकते हो ग्रेनरी, वेयर दे स्टोर देयर फूड ग्रेन्स। तो इस वजह से उन्होंने अटैक किया चैट्यूक्स पे एंड लूटेड द फूड ग्रेन्स। देखो लूटा भी क्या, फूड ग्रेन्स, कि कल को हमारे फील्ड्स को आग भी लगाएंगे, हमारे बच्चों के लिए हमारे पास फूड ग्रेन्स होंगे। एंड दे लूटेड द फूड ग्रेन्स एंड दे आल्सो अटैक द हाउसेस ऑफ मैनर्स। मैनर्स विद देयर फैमिली मेंबर्स रैन टू नेबरिंग विलेजेस। पीजेंट्स बर्नड देयर मेनोरियल ड्यूज आल्सो। उन्होंने उनके घर पे तो अटैक किए ही किए, साथ में मेनोरियल ड्यूज को भी आग लगा दी। सो देयर वॉज वायलेंस इन पेरिस, देयर वॉज वायलेंस इन कंट्री साइड। कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस। तो पेरिस में भी वायलेंस हुई, कंट्री साइड में वायलेंस हुई। तो ड्यू टू दिस, अब लुइस जो था ही हैड टू एग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज फ्रेम्ड बाय नेशनल असेंबली। अब लुइस को कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ा जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया था। अब 4th अगस्त 1789 नेशनल असेंबली पास्ड अ फायर डिक्री। On which date fire decree was passed by National Assembly? 4 August 1789. कौन सा इसमें टैक्स अबॉलिश कर दिया? टिथ। टिथ वाज अबॉलिश। किसकी पावर्स लिमिटेड कर दी? चर्च। किसकी बिल्डिंग छीन ली, लैंड छीन ली? चर्च। उस लैंड पे क्या बना दी? ऑफिशियल बिल्डिंग्स। चर्च के पास वास्ट लैंड होती थी तो इन्होंने चर्च की लैंड छीन ली, कॉन्फिस्केटेड द लैंड ऑफ चर्च। And on that they built official buildings. इन्होंने उस पर buildings बना दी, government buildings बना दी। तो ये सब कुछ हुआ किसके through? Fire decree passed on 4th August 1789. अब 1789 के मैंने कितनी dates learn कराई हैं? First of all 5th मई meeting of estate general, then 20th June, then 14 July, then 4th August. अब एक मिनट, फर्स्ट इज 5th मई 1789 किसकी मीटिंग थी? एस्टेट जनरल। देन मैंने बोला 20th जून टेनिस कोर्ट ग्राउंड वाला इवेंट जो नेशनल असेंबली बनी। फिर मैंने बोला 14 जुलाई बस्टाइल फोर्ट। फिर मैंने बोला 4th अगस्त 1789 फायर डिक्री। वेरी गुड। अभी आपको कभी गलत नहीं होंगे, ईयर 1789 ही है, डेट चेंज है, ठीक है। अब ईयर चेंज होना, अब ईयर हो जाना है 1791। अब ईयर आगे आगे जाएंगे 1791। अब 1791 में फ्रांस बिकेम, मैंने पहले ही बोला था इट टुक 2 years फॉर नेशनल असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। 1789 में बैठे तो कब फ्री हुए? 1791। इन 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वाज रेडी, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या किया? दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसमें इन्होंने सबसे पहले पावर्स लिमिटेड की लुइस 16 की। नो दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्होंने सबसे पहले तो पावर्स ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो कि ये मेन एम लेके आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, दो ही मेन एम थे ना, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड टू गिव लिमिटेशंस टू द पावर्स ऑफ लुइस 16। पावर्स को भी लिमिटेड कर दिया इन्होंने। पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन्होंने अपने सारे काम पूरे किए। नेक्स्ट, इन्होंने सबसे पहले वोटिंग राइट दिया ओनली टू मेल।
who were at the age of 25, only to male who were at the age of 25 and must be property owners. उन्होंने कहा कि जिसको भी राइट टू वोट मिलेगा वो प्रॉपर्टी ओनर होना चाहिए और साथ में टैक्स पेयर भी होना चाहिए। उसकी 3 डेज का जो टैक्स है ना, मीन्स वो पे करता था, 3 डे की अपनी सैलरी वो देता था टैक्स में। तो इन्होंने इस वे से सारा सिस्टम सेटअप किया, ओनली टू मेल हुवर एट द एज ऑफ 25 दे वर गिवन राइट, बट मेल शुड बी अ प्रॉपर्टी ओनर। विदाउट प्रॉपर्टी ओनर इन्होंने किसी को राइट टू वोट नहीं दिया, एंड दे कॉल देम एक्टिव सिटीजंस to whom they gave right to vote, they called them active citizens. And women, non-property owners, male, they were all considered as passive citizens. National Assembly ne passive citizens ko right to vote nahi diya. Kisko right to vote diya? Only to active citizens. Active mein age kitni honi chahiye thi? 25. Women bhi included thi? No. Only male. Male ko right to vote diya. Only male who were at the age of 25 and must be property owners. Women को तो उन्होंने किसी category में ही नहीं रखा, उन्होंने कहा ये passive है, इनको कोई right to vote नहीं मिलना। And you know it very well, women struggled for about 200 years in France and they got right to vote in 1946, whereas male got this right in 1791. And women को कब मिला? 1946, after struggling for about 200 years. इंडिया की women ने इतनी struggle नहीं की। इंडिया में तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ उन्होंने इक्वल राइट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया, जबकि ये कंट्री सिर्फ सफरेज अपनाती थी, यूनिवर्सल नहीं। ये सबको राइट टू वोट नहीं देते थे, सिर्फ राइट टू वोट मींस सफरेज, डिपेंड करता था किसको देना। इंडिया अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में पावर में आया, तो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, मींस सबको राइट टू वोट। पीपल हु एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव गिवन राइट टू वोट इन इंडिया। इंडिया में तो किसी को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, इंडिया की वुमेन ने कोई स्ट्रगल नहीं की राइट टू वोट लेने के लिए। व्हेयरएज इन फ्रांस वुमेन स्ट्रगल्ड फॉर अबाउट 200 इयर्स। देखो फ्रांस जैसी कंट्री में वुमेन ने स्ट्रगल किया, तभी मैं कहती हूँ इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये सब कुछ राइट टू वोट ओनली टू मेल डिस्क्रिमिनेट कर दिया नेशनल असेंबली ने, एक्टिव एंड पैसिव में बांट दिया। अब इन्होंने इनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किससे हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड Man as citizens, Declaration of Rights of Man and Citizens, Right to Life, Freedom of Speech, Freedom of Opinion, Equality Before Law, ये सारे rights इन्होंने दे दिए। और state को order किया protect the rights of the citizens। State government को कहा गया कि लोगों के rights की protection भी करनी है, ये नहीं है कि rights दे दिए। State Government was ordered to protect the rights of the citizens. So their constitution starts with Declaration of Rights of Man and Citizen. तो इससे start हुआ। तो इस वजह से और साथ में यहाँ पे आपको नीचे देखो revolutionary journalist Jean Paul के बारे में बताया हुआ है। Read these source। ये आपने जितने मैं बताती जा रही हूँ you have to read these source। ये देखो ये सारा ये वाला ये सारे सोर्स आपने पढ़ने हैं। डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय आर्टिस्ट ली बार्बियर इन 1790। किसने इसको पेंट किया? ली बार्बियर। डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हु पेंटेड दिस? नेम द पेंटर, ली बार्बियर। ये वर्मा क्वेश्चन में आ जाना, नेम द पेंटर, आपने तब हैरान होना ये कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। ली बार्बियर, नेम ऑफ द पेंटर ली बार्बियर। तभी मैं कह रही हूँ किसी चीज का रिस्क नहीं लेना। कोई भी क्वेश्चन उन्होंने बना के पेपर में डाल देना, आप कह नहीं पाओगे क्योंकि आपको कहा जाना दिस टॉपिक इज गिवन ऑन दिस पेज, आप क्लेम नहीं कर सकोगे। ठीक है, ये देखो ये तो पक्का मस्ट है, ये लर्न करो। ये मैं टेंथ को भी लर्न करवा दूँ, सेम ये टेंथ में भी टॉपिक है, सेम इज गिवन इन टेंथ क्लास। फॉर एग्जाम्पल लर्न इट, मैं अभी कराती हूँ। ब्रोकन चेन्स रिप्रेजेंट्स, बताओ बिकमिंग फ्री, लिबर्टी। ब्रोकन चेन्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? बिकमिंग फ्री। नेक्स्ट बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, वन रोड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? बंडल ऑफ रोड्स बोलो, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। आप स्टोरी भी तो पढ़ते हो, एक इंग्लिश में यूनियन इज, पढ़ते यूनियन स्ट्रेंथ ना, तो वही तो है, स्ट्रेंथ लाइज इन
बंडल ऑफ रोड्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. आप मुझे बताओ, ब्रोकन चेन्स रिप्रेजेंट बिकमिंग फ्री. आप मुझे बताओ, बंडल ऑफ रोड्स स्ट्रेंथ लाइज इन. अब आप बताओ, द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. सन की रेज जो है वो इग्नोरेंस को दूर कर रही है. रेज ऑफ सन ड्राइव अवे क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस. रेज ऑफ सन ड्राइव अवे क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. जो घर पे बैठे हैं, प्लीज लुक हियर, ये आपने लर्न करने हैं. आपको सिर्फ इनका नॉलेज होना चाहिए. जैसे मैं आपको ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, बंडल ऑफ रोड्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी बिकमिंग फ्री ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. तो एक मिनट, कितना इजी है. कौन सा आपको बच्चे ये क्रैम करना है? आपको तो नॉलेज होनी चाहिए. वहां पे लिखवाना तो है नहीं, आपने टिक्की लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट. आई तो अपने आप पता चल रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताओ. सन रेज विल ड्राइव अवे क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. सन रेज ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. नेक्स्ट, स्केप्ट्री सिंबल ऑफ रॉयल पावर. स्केप्ट्री सिंबल ऑफ रॉयल पावर. नेक्स्ट, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. अब ये क्या कर रहा है? एटर्निटी, सिंबल ऑफ एटर्निटी. रिंग हैज ना तो उसकी बिगनिंग है ना ही उसकी एंडिंग है रिंग की, तो दिस रिप्रेजेंट इटर्निटी. ठीक है, लर्न इट. स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी. नेक्स्ट, रेड आप कहोगे फ्राइगियन कैप क्या रिप्रेजेंट करती है? बिकमिंग फ्री, क्योंकि उनकी रेड कैप क्या सिंबलाइज करती थी? लिबर्टी. जैकोबिन्स पहनते थे ना ये वाली कैप, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? लिबर्टी. रेड कैप सिंबलाइज्ड लिबर्टी. देन ब्लू व्हाइट रेड नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. विच आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस? ब्लू व्हाइट रेड. ब्लू व्हाइट. आप मुझे बताना उनका स्लोगन, लिबर्टी इक्वालिटी एंड, उनका नेशनल कलर्स बताओ. ब्लू व्हाइट एंड, ब्लू व्हाइट एंड. विंग्ड वुमेन क्या रिप्रेजेंट करती है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ. पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ. अब द लॉ टेबलेट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? लॉ इज सेम फॉर ऑल. यहाँ ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. लॉ टेबलेट क्या रिप्रेजेंट करती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ. विंग्ड वुमेन क्या रिप्रेजेंट करती है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ. उनके नेशनल कलर बताओ. ब्लू, ब्लू व्हाइट एंड. तो ये देखो कितने क्वेश्चन बन गए, कितने सारे क्वेश्चन इसमें से बन गए. तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज. ये 100% इसमें से क्वेश्चन होंगे. आप मेरे से रिटर्न ले लो, दो क्वेश्चन तो इसमें से होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तब भी आते हैं जब आपके नॉर्मल पेपर होते हैं, तब भी. तो अब तो एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर में से उन्होंने पेपर कहाँ से डालना है, ठीक है ना? तो ये आप अच्छे वे से इनकी रीडिंग लो. नेक्स्ट, इसके बाद आपको करना है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, आपको सारे प्रिपेयर करने हैं. देन फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर व्हाट. आपने बताना है प्रॉब्लम जहां जहां हुई, कंट्री साइड एंड पेरिस सिटी. तो वो मैंने अभी रिवाइज करवाया है. ईयर एंड डेट्स आपको बस अच्छे वे से लर्न करनी है.